Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon. लाल सिंह राणा जी, जैसे हम देख रहे शहीदों की आवाज़ आपको क्यों उठानी पड़ी, जैसे कि आज यहाँ पे हम देख रहे जो शहीद राजा नार सिंह के शहीद स्थल पे आप लोग आए हुए। देखिए, यहाँ पर पिछले 22 वर्षों से राजा नार सिंह जी के जो बलिदान दिवस होता है 9 जनवरी को, हम यहाँ हवन करते हैं। यहाँ पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि राजा नार सिंह जी का कोई स्मारक दिल्ली में बनाया जाए, राजा नार सिंह जी का कोई संस्थान बनाया जाए, राजा नार सिंह जी की प्रतिमा दिल्ली में लगाई जाए, लेकिन सरकार इसकी अनदेखी कर रही है। आज जो ये कार्यक्रम है, ये शहीदों के लिए है, उसमें राजा नार सिंह जी भी हैं और दूसरे शहीद भी हैं। हम आज ये मांग कर रहे हैं कि एक तो शहीदों को शहीद का दर्जा दिया जाए, शहीदों को शहीद का सम्मान मिले, शहीद को भारत रत्न मिले, शहीदों को जो उनका हक है वो मिले, इसके लिए आज यहाँ उपवास रखा गया है। अच्छा सर, जैसे आज आपने उपवास रखा, जो शहीदों की बात की, जो हमारे भगत सिंह है, सुखदेव है, राजगुरु है और भी बहुत सारे ऐसे हैं, उनकी आवाज़ उठाने को आपको क्यों आगे आना पड़ा, क्योंकि पहले भी कई बार जगह जगह आवाज़ उठ चुकी शहीदों के लिए। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है, आज़ादी के बाद से ही ये शहीदों की आवाज़ उठती रही है, लेकिन सरकार इसका अनदेखा करती रही है। आज अभी मेरे पास एक जानकारी है कि शहीद के नाम से हम एक जानकारी देना चाहेंगे कि राजा नार सिंह जी के नाम से एक डाक टिकट जारी हुआ है। सरकार अभी तक किसी स्वतंत्र सैनिक को शहीद नहीं मानती थी, लेकिन ये राजा नार सिंह जी के नाम से टिकट जारी किया गया है, स्वतंत्रता सेनानी के नाम से। अभी एक मेरे पास अभी जानकारी आई है कि यहाँ पर इनके नाम से, भगत सिंह जी के नाम से, शहीद भगत सिंह जी के नाम से एक सिक्का जारी किया गया था, लेकिन सरकार कह रही है कि हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। आदि चार जगह जहाँ सिक्के सप्ते हैं, दो जगह की मेरे पास जानकारी आ चुकी है। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार को जो सम्मान दिया जाना देना चाहिए था शहीदों को, वो नहीं दिया जा रहा है। इसमें जो महत्वपूर्ण विषय है वो ये है कि जो पेंशन की बात है, बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों को अनेकों राज्यों में 20,000 रुपये पेंशन दी जा रही है, किसी राज्य में 5,000 दी जा रही है। हमारी ये मांग है कि सभी स्वतंत्र सेनानी के जो परिवार हैं उनको एक समान पेंशन दी जानी चाहिए। उनकी जो जयंती हैं, उनकी जो पुण्यतिथि हैं, वो सरकारी तौर पर घोषित की जाएं, वो उनको हर एक स्कूलों में पढ़ाया जाए, उनका इतिहास में उनका नाम जोड़ा जाए। उनको बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं तो हम कैसे बात बनेगी। ऐसे ही कुछ आज के जो विषय थे आपको दिए गए हैं, इन विषयों पर आज यहाँ पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। और खाली हम स्वतंत्र सेनानियों पे भी नहीं कर रहे हैं, हम जो वर्तमान के सैनिक हैं उनके लिए भी कर रहे हैं। अभी एक मैंने जानकारी ली, 1965 की और 71 की लड़ाई में जो लापता सैनिक हुए थे, वो उनमें से कितने सैनिक पाकिस्तान में हैं, तो 54 सैनिकों की पहली बार, शायद मुझे वो अभी तक सरकार उसको दे नहीं रही थी, 54 ऐसे सैनिक जो पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं उनकी एक सूची दी गई थी। हम उनके परिवार से मिले, अखबार में बात उठी, ये काफ़ी बड़ा विषय बना। तो इसी तरह स्वतंत्र सेनानियों और शहीदों को, जो वर्तमान के जो सैनिक हैं उनको ऐसा एक इंडिया गेट के ऊपर एक शहीद संग्रहालय और स्मारक बनाने की बात पिछले 72 वर्षों से चल रही है, आज़ादी के बाद से, लेकिन वहाँ पर अभी एक जो है वो स्मारक बनाया गया है, लेकिन वो आज़ादी के जो बाद के सैनिक हैं उनका बनाया गया है। हमारी ये मांग है कि आज़ादी से पहले के जो भी शहीद हैं, स्वतंत्र सेनानी हैं, उनका वहाँ पर स्मारक बनाया जाना चाहिए, लेकिन सरकार वो नहीं बनाना चाहती। अभी सरकार के, भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय ने एक किताब छापी है जिसमें कई हज़ार सैनिकों के, ये 70 साल के बाद छपी है वो किताब, कि देश में कितने स्वतंत्रता सेनानी हैं। बहुत दिन से हम मांग कर रहे थे, वो छप गई है, लेकिन अभी वो बिक नहीं रही है, उसकी सेल नहीं की जा रही है, उसको
उसको बेचा नहीं जा रहा है, संस्कृत मंत्रालय ने उसके ऊपर बैन लगाया हुआ है। तो हमारी ये भी मांग है कि उस किताब को, जो कई हज़ार शहीदों की जिनमें नाम दिए गए हैं कि इन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, कम से कम सरकार ने माना तो सही, कुछ सूची उसमें आई है, कई हज़ार सैनिकों की आई है, हालांकि 7 लाख से ऊपर सैनिक बताए जाते हैं, लेकिन कुछ हज़ार सैनिकों की तो आई, उनको मान्यता मिली। उसमें राजा नार सिंह जी का भी है, महाराजा सूरजमल जी का भी है, भगत सिंह, चंद्रशेखर जी, आज़ाद जी, इनका सबका है। अच्छा सर, अगर नहीं सरकार अब भी अपनी आँख खोलती इन चीज़ों को लेकर, शहीदों की मांगों को पूरा करके, तो आगे के कदम आप लोगों के? देखिए, हम तो इसमें सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख सकते हैं, चाहे वो उपवास के तौर पर हो, चाहे वो धरने के तौर पर हो, चाहे वो और बहुत से विषय प्रकार से रखी जा सके, लेकिन हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखेंगे। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि चंद्रशेखर शहीद आजम भगत सिंह जी के नाम से वर्ष 2007 से चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम करने की बात चल रही है। 2007 से पंजाब विधानसभा ने 2007 में 100 साल कार्यक्रम में उन भगत सिंह जी के नाम से चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नामकरण करने की बात कही गई थी, लेकिन वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हरियाणा सरकार भी कह चुकी है, लेकिन राजनीति में फंस गया है। पंजाब कह रहे हैं कि इसका नाम शहीद आजम भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोहाली होना चाहिए, हरियाणा कह रहा है इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चंडीगढ़ होना चाहिए। भगत सिंह के नाम से तो सब सहमत हैं, लेकिन चंडीगढ़ और मोहाली के बीच में वो फंसा हुआ है। करीबन 5-6 साल से उसके ऊपर मैं प्रयास कर रहा हूँ, उम्मीद है शायद उसकी जल्दी बात बनेगी। तो मेरा ये कहना है कि शहीदों के ऊपर जो विषय हैं वो 10-10, 20-20 साल लग जाते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती। अच्छा सर, मैं आपको सर क्या नाम आपका? मेरा नाम ईश्वर सिंह तेवतिया है। सर, जैसे हम देख रहे हैं आप शहीदों की मांग उठाने के लिए आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो नारसिंह की यहाँ पे स्मृति है उसके यहाँ आए हुए हैं, और आपका अनशन भी एक दिन के लिए आज यहाँ रखा है, तो क्या कहना चाहूँगी जो शहीदों की मांग उठाने यहाँ? देखिएगा, मेरा कहना ये है कि जो भी हमारी इस समय भारत की जो सरकार है, जो लोग बैठे हुए हैं, शहीदों के दम पे ही जो है ये देश है। अगर शहीदों का सम्मान अगर कोई सरकार नहीं कर सकती तो किसका सम्मान करेगी? हम शहीद राजा नार सिंह जी को जहां बलिदान किया गया, जहां फांसी दी गई, हम उनके शहीद स्थल पर बैठे हुए हैं, और 22-23 साल से जब से इसके बारे में हमको इतिहास में जानकारी मिली है, हम चाहते हैं कि जहां उनको फांसी दी गई, जहां वो बलिदान हुए इस देश के लिए, वो किसी एक बिरादरी के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए, देश के लिए बलिदान हुए, तो उनका यहाँ पे जो एक भव्य जो है स्मारक, शहीद स्मारक बनाया जाए, जहाँ लोगों को प्रेरणा मिले कि देश के लिए वो भी आगे आके जो है कुछ ऐसा कार्य कर सके। चले सर, क्या नाम है? राम भेर मलिक। वैसे हरपाल सिंह जी ने बहुत कुछ डिटेल में बता दिया है, मैं आपको थोड़ा सा इसमें 2 पॉइंट और बताऊंगा। देखिए, भारत को हम 2 भागों में देखेंगे, एक 1947 से पहले का भारत, एक 1947 के बाद का भारत। 1947 से पहले का जो भारत था उसमें बड़ी बड़ी महान हस्तियों ने अपना अपना बलिदान दिया है, कुर्बानियाँ दी हैं, तब जा करके अंग्रेज यहाँ से भागे हैं। वो काम इतना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल काम था, और ये बड़ा दुख होता है कि उनकी इतनी वीरताओं कि उसके गाथा देख करके, इतनी कुर्बानियां देख करके भी सरकारें उनसे कुछ खास सबक नहीं ले रही हैं। दूसरा जो भारत है 1947 के बाद का भारत है, यानी जो आज़ादी वो दिला के गए हैं अपनी कुर्बानियां देकर, शहीदियां देकर, उस आज़ादी की रक्षा करने के लिए आज हमारे जो सैनिक लगे हुए हैं उनका भी तकरीबन उसी किस्म का हाल है। जैसे उनको बुलाया जा रहा है, ऐसे इनको भी बुलाया जा रहा है। हरपाल जी ने आपको बिल्कुल सही बताया था कि जो शहीद हो रहे हैं सैनिक बॉर्डर के ऊपर, सरहद के ऊपर, उनका भी ध्यान उसी तरीके से रखना चाहिए। आज़ादी दिला के वो कुर्बानियां देकर चले गए, उस आजादी की रक्षा करने के लिए जो आज सैनिक लगे हुए हैं, ये थोड़ा सा इन चीजों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये तो आज की सरकार है, उससे उम्मीद है कि वो सुनेंगे इन चीजों? नहीं, अब देखो, उम्मीद तो हर सरकार से लगाते आए हैं, इनसे भी लगा रहे हैं, लेकिन अब वो कितना खरे उतरते हैं ये अभी मैं नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि पिछला 5 साल तो इन्होंने भी निकाल दिया है, तो अभी तक इस दिशा में कोई खास सकारात्मक कदम तो उठा नहीं है। अब उम्मीद ये लगाएंगे कि अब जल्दी उठाएं और इनकी शहीदियों का कम से कम सम्मान करें, इनकी वजह से देश टिका हुआ है। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम अनिल डागर है, गाँव मलिकपुर है, और मैं नारगढ़ उत्थान संघ एक NGO चलाता हूँ, और हमारी मांग है एक, जो कि शहीद 7,35,000 के आसपास हमारी ये शहीद हुए थे, उनको सम्मान नहीं मिला। और राजा नार सिंह के विषय में आप बात करोगे तो इन्होंने बिल्कुल अपने जो फांसी का फंदा था खुद चूम कर लिया था,
मेजर अड़चन ने कहा था भाई आप हमें माफ़ी मांग लो और हम आपको माफ़ कर देंगे और सारा का सारा आपको राजपाट दे देंगे। लेकिन उन्होंने कहा भाई मैं आपसे क्यों माफ़ी मांगूँ, आप होते कौन हो। तो उन्होंने कहा ना भाई आपकी फांसी ना जी, फांसी हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, एक नारसिंह जाएगा तो 10-50-100 नारसिंह और पैदा होंगे। देख रहा आज राजा नारसिंह की जो स्मृति है वहाँ पे आप लोग बैठे एक दिन के अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पे, तो क्या संदेश देना? हमारा यही संदेश है जी कि शहीदों को सम्मान मिले, यहाँ पर एक बड़ा सा स्मारक बने। और हमारी एक मांग और है कि पाठ्यक्रम में रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे हम लोगों ने पढ़ा है, सुना है, देखा है, तो इनके बारे में भी, इनका पाठ्यक्रम में भी जिक्र हो और इनके शहीदों को सम्मान मिले। हमारी इसी मांग को लेकर हम उपवास पे बैठे हैं। सर क्या नाम? मेरा नाम सतबीर सिंह है सर। सतबीर जी, जैसे आप कारगिल युद्ध की लड़ाई भी कर चुके हैं और आज भी आपकी पैर में गोली लगी हुई है और आज मैं देख रहा जो राजा नारसिंह है उसकी स्मृति पे यहाँ बैठे हुए शहीदों की मांग को लेकर, तो क्या कहना चाहूँगा इसको? जी मैं कहना चाहूँगा कि ये जो शहीदों का विषय है ये देश में एक सबसे इम्पोर्टेंट विषय है। इसी के जुनून से ही नहीं कि शिक्षा से जो है सैनिकों का हौसला बॉर्डर के ऊपर बहुत हाई है, लेकिन सरकार इनको और ज़्यादा पब्लिक में पेश नहीं कर रही और ना ही जो लोग चाहते हैं उनकी मांगों को पूरा किया जा रहा है। तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले शहीदों के लिए इतिहास में और ग्राउंड के ऊपर इस प्रकार से उनके भव्य स्मारक बनाए जाएं जिससे आने वाली जनरेशन पर देश के प्रति, देश की सुरक्षा के प्रति अच्छा प्रभाव पड़े। और सरकार हमेशा से इनके विषय को पीछे छोड़ देती है और जो है अपना काम निकाल लेती है, ये बहुत ही गलत बात है। लाइक शेयर एंड कमेंट टू सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज प्रेस द बेल आइकन।